पीएम मोदी का भरोसा जीतते हुए ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने में सफल रहे, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ओम बिरला राजस्थान की राजनीति के पावर सेंटर भी बनते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी से दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे बैकफुट पर होती नजर आ रही है। अब बीजेपी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या रहने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। ओम बिरला का दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बना राजस्थान की राजनीति में बदलाव होने के संकेत दे रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी राजस्थान में 11 सीटें बचाने में नाकामयाब रही। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी का जादू भी नहीं चल पाया। तमाम दिग्गज नेताओं की हालत खराब हो गई थी, कई दिग्गज नेताओं की तो साख भी दांव पे लगी हुई थी। आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 में कोटा सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिरला का लगातार दूसरी बार इस पद पर काबिज होना राजस्थान में बदलाव की राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है। राजस्थान में अब एक पावर सेंटर बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इससे अलग बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष बिरला प्रदेश में नए पावर सेंटर के रूप में देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिरला की गिनती मोदी और शाह के नजदीकियों में होती है। दरअसल राजस्थान की राजनीति में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करने का दौर लगातार अनवरत जारी है। वसुंधरा राजे को विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री फेस भी घोषित नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह भी नहीं मिली। लगातार नजरअंदाजी के इस खेल का दर्द पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा की जुबान पर भी आ गया और उन्होंने उदयपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि अब वह वफा का दौर नहीं रहा। आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिससे वो पकड़ कर वह चलना सीखते हैं। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते थे। 1966 में भंडारी जी राज्यसभा में गए। वसुंधरा राजे के इस बयान से साफ जाहिर है कि राजे पार्टी के अंदर लगातार हो रही अपनी अनदेखी से काफी नाराज है। आपको बता दें, वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के बाद से राजे का कोई भी राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लंबे समय बाद अब राजे ने चुप्पी तोड़ी। इस बयान के जरिए राजे उनके संरक्षण में आगे बढ़ने वाले नेताओं को निशाने पर लिया है। वहीं राजस्थान की सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कभी वसुंधरा राजे के नजदीकी नेताओं में हुआ करते थे। इन्हीं नजदीकियों के चलते पहली बार विधायक बनने पर ही बिरला वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव के पद पर बनने में सफल रहे। इसके बाद ओम बिरला रुकने वाले नहीं थे और ना ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जल्दी बिरला ने दिल्ली में बेहतर संबंधों के आधार पर अपना अलग वजूद बना लिया और 2023 में वसुंधरा के मुकाबले मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में गिने लगे। अब वे प्रदेश की राजनीति में वसुंधरा के बराबरी में आकर खड़े हो गए हैं और वे एक नए पावर सेंटर बनकर उभर रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि मोदी और अमित शाह राजस्थान को ओम बिरला के हवाले करने वाले हैं। बड़ा सवाल यही है कि मोदी और अमित शाह वसुंधरा राजे को हसीये पर भेजकर क्या संदेश देना चाहते हैं। जानकारों के मुताबिक वसुंधरा राजे सार्वजनिक मंच पर भी किसी के सामने झुकने का संकेत नहीं देती है। ऐसे में आने वाले समय में राजनीति में वसुंधरा राजे की आंधी कुछ नया भूचाल खड़ा करेगी, या यूं कहें कि यह क्या सच में राजनीति के एक युग का अंत हो चुका है। राजनीति बने रहिए द नगरी मीडिया के साथ। नमस्कार।